बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, आज ये चौथा लेक्चर है केआरएल 2018 के पेपर का, जो कि असिस्टेंट मैनेजर फिजिक्स की पोस्ट के लिए है। और इसके पेपर के पहले 15 क्वेश्चन हम पहले 3 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड। मैक्सवेल ब्रिज हम क्या फाइंड करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शंस गिवन है अननोन रेजिस्टेंस, अननोन इंडक्टेंस, अननोन कैपेसिटेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, अननोन इंडक्टेंस। जो मैक्सवेल ब्रिज है ये हम अननोन इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। याद रखिएगा, इस तरह हमारे पास एक मैक्सवेल वाइन ब्रिज भी होता है, वो बेसिकली हम इंडक्टेंस ही फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वाइड रेंज इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो मैक्सवेल ब्रिज अननोन इंडक्टेंस के लिए यूज करते हैं, और मैक्सवेल वाइन ब्रिज जो है वो वाइड रेंज इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। और वो बेसिकली लो क्यू वैल्यूज के लिए जो है बड़ा यूजफुल होता है। लो क्यू वैल्यू से मुराद जब क्यू क्यू वैल्यू जो है लेस देन 10 हो, तो तब मैक्सवेल वाइन ब्रिज जो है बड़ा यूजफुल होता है। अच्छा जी, और एक हमारे पास एंडरसन ब्रिज भी होता है, ये बेसिकली हम सेल्फ इंडक्टेंस की प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। और इसका फायदा ये होता है एंडरसन ब्रिज का कि इससे वाइड रेंज वैल्यूज जो है सेल्फ इंडक्टेंस की वो भी फाइंड की जा सकती है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आर सेम एज दोज ऑफ डैश वेयर एच इज प्लांक्स कांस्टेंट इज चार्ज। ऑप्शन ये चार गिवन है। तो रेजिस्टेंस की हमने बताना है कि इनमें से डायमेंशन किसके बराबर होती है। हम पता है V is equal to IR, ओम लॉ, R equal to V over I। यहाँ से रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालेंगे। V क्या है? पोटेंशियल हमें पता है क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, तो वो चीज लिख दी है। और वर्क प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की हमारे पास डायमेंशन MLT-2 होती है, और डिस्प्लेसमेंट की लेंथ की डायमेंशन ही होती है, वो आ गया। चार्ज की डायमेंशन जो है I Q/T होता है, और Q जो है वो IT बन जाएगा, मतलब करंट इनटू टाइम। टाइम का ये आ गया, एक करंट बचा और एक इस करंट का, तो ए स्क्वायर बना दिया। यहाँ से ए, ये क्या फिर बन जाएगा ML² क्योंकि ये एक L और एक ये L, ये A-2 पर जाके हो जाएगा, ये T-2 है, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस की डायमेंशन है। अब इन सबको बारी बारी चेक करेंगे इनकी डायमेंशन, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसकी जो डायमेंशन है वो रेजिस्टेंस की ही डायमेंशन है, मतलब इसकी डायमेंशन भी ऑप्शन की भी ML² T-3 A-2 आती है। आप सिंपल चेक कर लीजिएगा कैसे, E = HF होता है, तो HE/F आ जाएगा, E की डायमेंशन वही जो वर्क की डायमेंशन होती है, और F की डायमेंशन 1/T, और चाहे तो कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, इसकी आप सिंपल देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, E की जो है I = Q/T और Q = IT आप करके देखेंगे, तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो यही होगी जो ये वाली डायमेंशन है। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन जो है वो हमारे पास ये होती है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास वो कह रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, कि जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होते हैं, तो उनकी मैक्सिमम एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ये ऑप्शन गिवन है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, और ये जो है आपके पास वेव फंक्शन है। ठीक है, हम पता है जो आइंस्टाइन ने हमें इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला दिया था। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होती है H μ - φ, ये वर्क फंक्शन होता है। ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट फोटोन की। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंड करती है, वेव फंक्शन पे भी डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है इंसिडेंट
फोटॉन की। और हमें ये भी पता है कि जो वेवलेंथ है वो सी बाई म्यू होती है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि जो, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे, और फ्रीक्वेंसी क्योंकि डिपेंड करती है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे, लिहाजा जो वेवलेंथ है वो भी डिपेंड करती है इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की। लिहाजा जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। अब क्या चीज बच गई? वो बच गया हमारे पास इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी का ताल्लुक करंट पे होता है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा जो है वो करंट होगा, और इसका कोई ताल्लुक नहीं है एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट कंट्रोल डिवाइस। इन चार ऑप्शन में से करंट कंट्रोल डिवाइस जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसे करंट कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। और ये जो मॉस्फेट है इसे बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। और जो हमारे पास ये जो ऑसिलेटर है क्वार्ट्ज ऑसिलेटर, इन्हें बेसिकली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस जो है वो कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है ये करंट कंट्रोल डिवाइस है आपकी। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट। रेक्टिफायर क्या करता है? डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है? तो जो रेक्टिफायर होता है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, और इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। अच्छा, तो जो चीज डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगी फिर उसे क्या कहेंगे? तो उसे इन्वर्टर कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आइडियल ऑपरेशन हैज जीरो इनपुट इम्पीडेंस, जीरो आउटपुट करंट, इनफिनिट इनपुट इम्पीडेंस, बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। जो आइडियल ऑपरेशन हमारे पास ये होता है कि हमारे पास इनफिनिट इनपुट इम्पीडेंस हो। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 वो है, डार्लिंगटन कनेक्शन इज अचीव्ड इन टू ट्रांजिस्टर बाय कनेक्टिंग। ये ऑप्शंस गिवन है। तो जो डार्लिंगटन कनेक्शन होते हैं वो हम बेसिकली दोनों कलेक्टर्स को जो है कनेक्ट करके जो है वो अचीव कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स के दोनों कलेक्टर्स को। तो और कैसे करते हैं? जो पहले ट्रांजिस्टर का जो इमिटर होता है वो हम दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास डार्लिंगटन कनेक्शन जो है वो दो ट्रांजिस्टर से बन जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो चलें, यहाँ पे ये हमारे वीडियो का इख्तिताम हो जाता है, और यहाँ पे ये पेपर भी जो हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ और डिफरेंट एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड पेपर्स और डेटा शेयर करूं। अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।